Hi friends, Interior Assets by Nihar Ramya. आप सबका स्वागत है and I know we are shooting, uploading a video after a long, long time. So those of you who follow us on Instagram पे जब हमने Lower Paril side, Dadar side के videos upload किए थे, reels upload किए थे, तब हमने कहा था कि इसके आगे YouTube पे Dadar side की जो mini series है, we'll start with that. But because of some technical reason, we couldn't really start the mini series. So इसके लिए हम क्या करने वाले हैं? आज का video upload होने के बाद, इसके बाद we'll start with the mini series. आज के वीडियो में क्या है, दिस इज़ अ 2BHK रेसिडेंस थाने में है और बहुत स्पेशल है, नॉट जस्ट बिकॉज वी आर अपलोडिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बट बिकॉज ये मेरे एक बहुत ही खास दोस्त का घर है, एकदम बचपन के दोस्त. एक्चुअली इफ़ यू सी इन दिस पिक्चर, बहुत ही क्यूट पिक्चर है, विल ट्राई टू एड द पिक्चर हियर. वी यूज टू गो टू द सेम डे केयर और हम छोटे छोटे बच्चे हैं, सोफा पे बैठे हैं, इज प्रोबेबली द फर्स्ट फ्रेंड दैट आई एवर हैड. सो या दिस इज़ सुपर स्पेशल एंड वो भी प्रोफेशनल शेफ है. और इस घर के लिए जब हमारा डिस्कशन हुआ था तब उसने कहा था दिस इज़ गोइंग टू बी फॉर अ फैमिली ऑफ फोर. वो है, उसकी वाइफ है एंड पेरेंट्स है. एंड तीन चीज़ें जो उन्होंने कही थी, जो आई थिंक ब्रीफ में, ऑब्वियसली छोटी छोटी और चीज़ें भी थी एंड एज आई एक्सप्लेन द प्लानिंग एंड एवरी थिंग, ऑब्वियसली आई शेयर दैट विथ यू. बट तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इस प्रोजेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट थी, फर्स्ट वॉज द हाउस नीडेड टू बी सिंपल. उन्होंने कहा था सिंपल होना चाहिए, फंक्शनल होना चाहिए और उनका जो बजट है उसके बीच में प्रॉपरली फिट होना चाहिए. And I think the way it has turned out, I'm super happy with it. Yeah, I feel we pretty much cracked the brief. So let's go and see. So this is the existing layout. This is where you enter. So ये जो hatched area है, these are walls. ये जो portion है, these are columns. So ये living room है. Living room में आते ही ये जो है, this is the window. और living room से दो आप ये देख सकते हैं, एक्सेस देख सकते हैं. ये जो है बेडरूम है. सो एक जो बेडरूम है उसका एक्सेस लिविंग रूम से है एंड सेकेंड बेडरूम जिसमें पैसेज है, पैसेज से देन यू हैव योर कॉमन वॉशरूम. एक साइड में आपका मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम का अटैच टॉयलेट है एंड दिस इज़ द किचन. दिस इज़ हाउ द लेआउट इज़. और मेजरमेंट्स लिविंग रूम इज़ अराउंड 15x9 feet. ये जो बेडरूम है 10x10 feet है, प्लस इसमें यू हैव दिस वार्डरोब निश एंड अ स्मॉल बालकनी. ये जो मास्टर बेडरूम है दिस इज 10x11 feet प्लस यू हैव दिस निश. ये जो एक वार्डरोब का निश है एंड द किचन. सो किचन इज अराउंड 7x9. नाउ इसका प्लानिंग करते वक्त जो हमारे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज था, बिकॉज एज वी डिस्कस्ड कि मास्टर बेडरूम में ये एक स्टोरेज स्पेस है, ये एक स्पेस है वार्डरोब की, बट दिस स्पेस इजंट इनफ. एक तो जो एग्जिस्टिंग आपके पास सामान है उसके हिसाब से भी दिस वॉज नॉट इनफ एंड वैसे भी इफ़ यू सी तो प्रपोर्शन में एक्चुअली दिस इज 6 feet. तो ये एक चैलेंज था कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज स्पेस कैसे क्रिएट करेंगे. एंड वन मोर थिंग वॉज कि वी डिडंट वॉन्ट टू डू लॉट ऑफ सिविल वर्क. एक तो ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, वो नहीं चाहते थे कि बहुत कुछ इसमें डिमोलिशन का काम हो. और सेकेंड बिकॉज इसका बजट जितना टाइट था, हम नहीं चाहते थे कि सिविल वर्क हो, बिकॉज एक तो आप सिविल वर्क करते हो तो उसका कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा होता है एंड उसमें वक्त भी बहुत ज़्यादा लगता है. एक ये है लिविंग रूम का प्लानिंग. इफ़ यू सी जनरली हम जैसे प्लान करते हैं, जो यहाँ पे अभी नाउ देयर इज़ ये एक ओपनिंग है, ये एक ओपनिंग है, ये एक ओपनिंग है और ये पूरी विंडो है. सो ये आपकी पूरी, ये जो साइड है ये पूरी, आप यहाँ पे कोई फंक्शन एज सच नहीं रख सकते. सो देन यू आर लेफ्ट विद दिस वॉल, दिस आफ्टर द डोर ओपनिंग, ये आप स्विंग छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ये. सो जनरली प्लेसमेंट करते वक्त जो लॉन्गेस्ट वॉल है वहाँ पर हम सीटिंग देते हैं. सो इफ़ यू सी यहाँ पर अगर हम लोग सीटिंग देते थे तो उसके सामने एग्जैक्टली दिस इज़ द वॉल दैट यू हैव फॉर टीवी. एंड बिकॉज यहाँ पे एक पैसेज का एक्सेस इस तरीके से है, सो यहाँ से यहाँ तक ये जो आपका एरिया है मेन एंट्रेंस से पैसेज एंड देन दिस पोर्शन जहाँ से आपकी दूसरे बेडरूम की एंट्री है. सो ये जो आपका एरिया है ये आपका सर्कुलेशन में चला जाता है. सो जब भी किसी भी रूम में डायगोनल एक्सेस पॉइंट्स हैं या इस तरीके से है, सो देन यू आर लेफ्ट विथ ओनली दिस एरिया. ये जो आपके पास एरिया बचता है, ये एरिया एक ट्रायंगुलर थोड़ा सा और ये वाला एरिया. नाउ इसके बीच में कोई भी फंक्शन एकोमोडेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो विल डायरेक्टली सी द फाइनल प्लानिंग कि उसमें कहाँ पर क्या प्लेस्ड है एंड देन विल सी द एक्चुअल लेआउट. सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस और एक साइड में यू कैन सी गिवन अ शू रैक यहाँ पर. नाउ एज वी डिस्कस बिफोर, लिविंग रूम में ये जो है सबसे लॉन्गेस्ट वॉल है, तो ये तो क्लियर था कि वील हैव द सीटिंग ऑन दिस वॉल. सो यू कैन सी यहाँ पर हमने सीटिंग दिया हुआ है, उसके एग्जैक्टली सामने ये जो है यहाँ पर टीवी की वॉल है. सो फॉर टीवी इफ़ यू हैव अ स्मॉलर वॉल इट वर्क्स, बट सीटिंग के लिए जनरली इफ़ यू हैव अ लॉन्गर वॉल देन मे बी विद अ 3-seater सोफा यू कैन हैव समथिंग एल्स हियर. और यहाँ पर नाउ यू विल सी इन द फाइनल लेआउट, वी हैव गिवन अ गुड बाय मिरर हियर. तो नेक्स्ट टू द एंट्रेंस इफ़ यू हैव अ गुड बाय मिरर प्लस आपके कीज़ वगैरह रखने के लिए तो कुछ है आपने दिया हुआ, तो
फंक्शनली काफ़ी यूजफुल होता है. सो वो एक है. देन सेंटर टेबल, देन यहाँ पे यू कैन सी डाइनिंग टेबल हमने यहाँ पे एकोमोडेट किया है. एज वी डिस्कस्ड, ये एक पैसेज है, ये एक एंट्रेंस है, प्लस यहाँ पर डोर था. नाउ इन दिस लेआउट यू कैन सी वी हैव शिफ्टेड द डोर, क्योंकि यहाँ पे जब डोर था तो ये इतना पूरा एरिया सर्कुलेशन में जा रहा था. एंड देन एकोमोडेटिंग अ डाइनिंग इन दिस एरिया वॉज ऑब्वियसली चैलेंजिंग बिकॉज ये डोर भी उसमें आ रहा है. तो इसके लिए वी डिसाइडेड कि ये जो है, इसके लिए भी डिसाइडेड कि ये जो डोर है इसको हम शिफ्ट करेंगे. सो व्हाट वी डिड वाज, ये जो डोर था हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया. उसे ये जो बेडरूम है उसका प्लानिंग भी काफ़ी आसान हो गया. नाउ इन दिस लेआउट जितना सीटिंग है प्लस टीवी प्लस, बिकॉज इट इज़ फॉर अ फैमिली ऑफ फोर, वी डिस्कस दैट वील हैव डाइनिंग फॉर फोर पीपल. फिर ये जो वॉल है जहाँ पर इनिशियली डोर था, इसको we've utilized this space in a storage which is accessible from this side. So let's see the room and then move on to the next room. So this is the main entrance jahan se Shubham shoot kar raha hai, and because we've already seen the planning kahan par kya hai, already humne establish kar liya, so fir se wo sab nahi dekhenge, we want to keep it crisp. So yahan se start karenge. So you entered from here, और ये जो डोर है पेरेंट्स बेडरूम का दरवाज़ा है, जिसको मैंने कहा हमने स्लाइडिंग कर दिया है. सो ये स्लाइडिंग है. उसके बाद ये जो जगह है, यहाँ पर इनिशियली डोर था जो हमने यहाँ पे ऑब्वियसली शिफ्ट कर दिया. एंड देन आई टोल्ड यू ये जो जगह है हमने स्टोरेज के लिए यूज़ की है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक निशेस वाला सेक्शन क्रिएट किया है, बिकॉज उनके पास बहुत बुक्स थे तो बुक्स रखने के लिए उनको जगह चाहिए थी. तो इट इज़ स्कैटर्ड एवरीवेयर, हर एक रूम में थोड़ी थोड़ी जगह बुक्स के लिए हमने दी है, नॉट एट वन प्लेस. तो इसके लिए यहाँ पर भी रख सकते हैं. नीचे वाला जो हिस्सा है वो क्लोज है, उसमें भी रख सकते हैं. प्लस ये जो है यहाँ पर भी स्टोरेज है. एंड बिकॉज यहाँ पे जो पैनलिंग है उसके साथ ये यूज्ड ग्रूव्स वगैरह क्रिएट किए हुए हैं, इसको हमने हैंडल वगैरह नहीं दिया, तो इसके लिए हैंडल लेस है, तो लुक्स लाइक इट इज़ वॉल पैनलिंग. नाउ लेट्स सी दिस एरिया. सो ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर डाइनिंग हमने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है. ये फोल्डिंग वाला डाइनिंग है, सो ऑब्वियसली जब डाइनिंग बंद हो यू हैव दिस फ्लेक्सिबिलिटी, आप उसको बंद करके रख सकते हो. एंड ये चार चेयर्स इसमें हैं, दो चेयर्स हमने बेडरूम में रखे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी जो एक खाली वाला हिस्सा था वहाँ पे वी नीडेड चेयर्स, तो वहाँ पे चेयर्स है, यहाँ पे चेयर्स है. बट यू सी यू कैन शिफ्ट दिस व्हेन यू वांट टू यूज़ द डाइनिंग, ऑब्वियसली यू कैन शिफ्ट दिस एंड यू कैन ओपन द डाइनिंग. सो इसमें भी ये जो ग्रूव्स है आप देख सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये डाइनिंग का है, और ये जो ग्रूव्स है अगेन डाइनिंग के हिसाब से वी हैव क्रिएटेड द ग्रूव्स. उसका ऊपर वाला जो हिस्सा है वहाँ से स्टार्ट करके ये वाला फिक्स पोर्शन है, तो यहाँ से वो ग्रूव्स हमने इस तरीके से कंटिन्यू किए. वी हैव ऑब्वियसली गिवन लाइट्स एंड लेज ऑन दिस, इज अगेन आपको कुछ रखना है तो रख सकते हैं, तो उसके लिए दी हुई है. एंड आई विल ओपन द डाइनिंग नाउ. एंड चार लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं. सो जब हम ये प्लानिंग कर रहे थे, जब हमने ये डोर भी शिफ्ट किया था, इनिशियली डोर यहाँ पे था. सो इमेजिन कोई यहाँ पे बैठा है, फिर आपको उसके पीछे से जाना और डोर ओपन करके बेडरूम को एक्सेस करना बहुत मुश्किल होता था. तो इसके लिए व्हेन वी डिसाइडेड टू शिफ्ट द डोर, क्योंकि अभी डोर यहाँ पे आ गया, सो इवन इफ समवन इज सिटिंग हियर, और अगर कोई बैठ के खाना भी खा रहा है, तो विदाउट डिस्टर्बिंग दैट पर्सन यू कैन डायरेक्टली एक्सेस, यू कैन गो इनसाइड. सो ये आई थिंक मूवमेंट वाइज प्लान में जब आप करते हो तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी सर्कुलेशन एरिया आपका कौन सा है. फिर आपको इस तरीके से आपने फोल्डिंग वाला आइटम दिया है, तो वो ओपन होने के बाद आपको साइड में सर्कुलेशन के लिए कितनी जगह मिल रही है, वो आप किस तरीके से यूटिलाइज करोगे, यू नीड टू चेक ऑल ऑफ दैट. सो ये जो मटेरियल है जो हमने डाइनिंग के लिए यूज़ किया, एंड ऑब्वियसली वी यूज्ड इट ऑन द पैनलिंग दोनों साइड में, ये एक लैमिनेट है, बट इफ़ यू सी उसमें थोड़ा सा, इट्स नॉट मतलब एक प्लेन कलर का लैमिनेट नहीं है उसमें, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ देयर इज थोड़ा सा टेक्सचर, रस्टिक लुक है उसका, बट टच जो है उसका वो कम्प्लीटली प्लेन है, कम्प्लीटली स्मूथ है. तो अगर बिकॉज ये एक डाइनिंग जैसे भी यूज़ होने वाला था, वी डिडंट वांट टू यूज़ समथिंग जिसका टेक्सचर बहुत हैवी हो. लुक में वी वांटेड इट टू हैव दैट कैरेक्टर कि थोड़ा सा रस्टिक भी दिखे और थोड़ा सा उसमें वो एक डेप्थ हो, बट यूज़ करने के लिए बिकॉज डाइनिंग में आप क्लीनिंग वगैरह इज ईजियर इफ द सर्फेस इज स्मूथ. सो उस तरीके से हमने ये लैमिनेट सेलेक्ट किया है. सो टीवी यूनिट में किसी अभी तक टीवी यहाँ पे लगाया नहीं है, बट ऊपर एक स्टोरेज है और नीचे स्टोरेज दिया. नीचे नॉर्मल लाइन ऑफ ड्रॉवर्स, प्लस वी हैव गिवन एन ओपन नेश, तो आपको यहाँ पे जो भी न्यूज़पेपर या बुक्स वगैरह भी आपको रखने हैं तो आप रख सकते हैं. एंड उसी के साथ ऊपर वाला जो है, बिकॉज बुक्स बहुत है, सो फिलहाल अभी भी बुक्स का एक बॉक्स है जो उन्होंने निकाला नहीं है, अनपैक किया नहीं है, तो कुछ बुक्स अभी यहाँ पे रखे हैं. बट अदरवाइज आपको जो भी आर्टिफैक्ट्स वगैरह रखने हैं वो भी आप रख सकते हैं. इसको इंटेंशनली हमने ग्लास शटर्स दिए, सो दैट इफ़ यू सी समथिंग इनसाइड लाइक आर्टिफैक्ट्स, दोज विल बी विजिबल. वो दिया हुआ है. ये भी जो है, इनिशियल प्लानिंग में हमने ऐसा सोचा था यहाँ पे हम लैमिनेट लगाएंगे और यहाँ पे हम लूअर्स लगाएंगे विच विल मैच द लैमिनेट, बट ये लगाने के बाद जब हमने सिलेक्शन किया, वी डिसाइडेड कि यहाँ पर हम ग्रूव्स करके सेम लैमिनेट कंटिन्यू करेंगे. सो इफ़ यू सी इट इज़ द सेम लैमिनेट, प्लस इसके बीच में ग्रूव्स है जिसको हमने पेंट किया डार्क ग्रे में. एंड ऊपर वाला जो हिस्सा है लुक्स लाइक ये कंटिन्यू हो रहा है, तो ये जो है यहाँ पर एक बीम था और बीम के साइड में एक ऐसा
एक गैप थी, एक निश था, तो जिसके नीचे हमने क्या किया, जिप्सम शीट ही हमने लगाई है एंड वी वॉन्टेड टू क्रिएट दैट ग्रूव्स वाला लुक. तो इसके लिए सेम डिस्टेंस पे हमने ग्रूव्स इसमें दिए हुए हैं. देन देर आर टू स्पॉट लाइट्स, कर्टन्स, अगेन दो कर्टन्स, एक शेयर एंड ओपेक, इफ यू सी ट्रैक्स ही लगाए हैं. और ये आपके दो कर्टन्स आ गए. बाहर जो फ्लावर बेड है, बाहर फ्लावर बेड में हमने कुछ किया नहीं है. एक प्लानिंग था कि बाद में इसमें स्विंग ऐड करना था, तो स्विंग के लिए हमने हुक वगैरह प्रोविजन करके रखी है. तो या एट वन पॉइंट वील डेफिनेटली एट द स्विंग. सो नेक्स्ट टू द डाइनिंग, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर यू कैन सी द टीवी यूनिट, और इसके बीच में ये जो है पैसेज का डोर है, दिस इज अ स्लाइडिंग डोर, और यहाँ से पैसेज किचन, वॉशरूम और वो सब है. एंड बिकॉज यहाँ पर एज आई एक्सप्लेन, दिस इज द शॉर्टेस्ट वॉल, यहाँ पे टीवी आएगा, यहाँ पे सीटिंग है. सो सीटिंग के लिए एज सच वी डिडंट हैव एनी अदर ऑप्शन, क्योंकि इसी वॉल पे सीटिंग वो ज़्यादा फंक्शनल हो रहा था बहुत ज़्यादा. अभी तो हमने थ्री सीटर दिया है, प्लस यू हैव अ सिंगल सीट नाउ, बिकॉज दिस इज लूज यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी. अगर आपको यहाँ से यहाँ पे रखना है तो आप रख सकते हो. सेंटर में हमने नेस्टिंग टेबल्स का सेट रखा है, तीन टेबल्स यू कैन सी. सो वन ऑफ द टेबल कैन बी यूज एज अ साइड टेबल, अगर आपको यहाँ पे नहीं चाहिए तीनों यहाँ पे रख सकते हैं. या तो एक आपको टेबल किसी बेडरूम में यूज़ करना है एज अ साइड टेबल, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो. यू कैन कीप दिस हियर, सो यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी. आपको जैसे भी उसको शिफ्ट करना है शिफ्ट कर सकते हो. जैसे प्लानिंग में हमने देखा था, यहाँ पर वी हैव गिवन अ गुड बाय मिरर, जो आपका मेन एंट्रेंस है उसके साइड में. सो जैसे आप जाते जाते इफ यू वांट टू चेक आउट योर सेल्फ यू कैन डू दैट. और अंदर आते ही आपको कुछ रखने के लिए जनरली कॉन्सोल वगैरह हम देते हैं. अभी इन दिस केस शुरैक के लिए बाहर जगह है, हमने शुरैक बाहर दिया हुआ है. अगर नहीं तो आप उसको अंदर भी रख सकते हो, बट बिकॉज साइज ऑफ द अपार्टमेंट या साइज ऑफ दिस रूम इज सो कॉम्पैक्ट ऑल द रूम, सो इसके लिए वी डिडंट वांट एनीथिंग विच इज टचिंग टिल द ग्राउंड. तो एक तो ऑफ द फ्लोर जैसे हमने बाकी सारी चीज़ें रखी है, बहुत सारा स्टोरेज वॉल्स में है, वो सब हमने रखा है उसी के साथ. बट वी फेल्ट कुछ तो होना चाहिए जहाँ पर आप कुछ चाबियाँ रखो, कुछ जो भी लेटर्स आपको रखने हैं. तो एक छोटा सा ड्रॉवर है, इसमें आप कीज़ वगैरह, दे हैव ऑलरेडी प्लेस्ड एवरीथिंग वेरी नाइसली विद डिवाइडर्स, तो वो सब है, प्लस अ मिरर. लेट्स टॉक अबाउट द फॉल सीलिंग. एंड इफ यू सी, एक तो छोटे जगह में हम बहुत ज़्यादा लेवल्स वगैरह क्रिएट नहीं करते, सो दैट रूम की साइज भी बड़ी दिखती है. नाउ इन दिस केस व्हाट वी हैव डन इज वी हैव टेकन द सेंट्रल पोर्शन डाउन, और साइड में आपको जो पट्टा दिख रहा है वो जो है वो ओरिजिनल हाइट है, वो ओरिजिनल सीलिंग है. तो वहाँ पर हमने को लाइटिंग किया हुआ है, और सेंट्रल पोर्शन नीचे लेके, वो दोनों दो ही साइड में, वो चारों साइड में नहीं है, और सेंट्रल पोर्शन नीचे करके हमने नॉर्मल जो हम पैनल लाइट्स लगाते हैं, वो पैनल लाइट्स लगाते हैं यूसी पैनल लाइट्स लगाए हैं. एंड सेंट्रल में बिकॉज वी डिडंट वांट टू ऐड समथिंग अ हैवी शैंडलियर, बट वी वांटेड अ नाइस लाइट फिटिंग जो थोड़ा रूम का सेंटर को हाईलाइट करे. सो इसके लिए वी डिसाइडेड टू गो अहेड विद दिस. आई थिंक द फॉर्म इज वेरी नाइस, वेरी बेसिक, वेरी सिंपल. बट दोनों फैंस काफ़ी पास में है, तो कुछ सस्पेंडेड लगा रहे, तो एक तो दोनों फैंस चालू रखने के बाद वो थोड़ा सा स्वे होता, एंड तो वी डिडंट वांट दैट. तो इसके लिए ये काफ़ी कॉम्पैक्ट भी है एंड इसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं है. नाउ लेट्स सी द पेरेंट्स बेडरूम, बट उसके पहले उसका प्लानिंग देखते हैं. सो नाउ दैट वी हैव सीन द लिविंग रूम, वी नो दैट ये जो डोर था पहले इनिशियली यहाँ पे था, वी हैव शिफ्टेड द डोर. सो यहाँ पे यू कैन सी अ स्विंग डोर जो बाद में हमने चेंज कर दिया और इसको स्लाइडिंग कर दिया. सो एक्चुअली ये डोर यहाँ पे जाता है. पेरेंट्स बेडरूम के लिए जो क्लाइंट ब्रीफ था, जो उन्होंने बोला था, एक तो कि इफ़ यू कैन मैक्सिमाइज द स्टोरेज, सो एज वी डिस्कस्ड इनिशियली ये जो निश था, ये एग्जिस्टिंग निश था, उसके साथ इफ़ यू कैन ऐड मोर स्टोरेज, एंड ऑल्सो इफ़ दे कैन हैव टू सिंगल बेड्स. जब ये डोर का प्लेसमेंट हमने सेंटर में कर दिया, ऑब्वियसली रूम के दोनों साइड में वी हैड दिस ऑप्शन ऑफ प्लेसिंग द बेड. सो जैसे आप इसमें देख सकते हैं, एक बेड हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया और एक बेड यहाँ पे प्लेस कर दिया, प्लस दोनों बेड्स को यू गेट इंडिपेंडेंट साइड टेबल का ऑप्शन. सो इस बेड के लिए देर इज अ साइड टेबल हियर, तो एक फिक्स हमने दिया नहीं है, तो आप मूवेबल साइड टेबल भी रखना है तो रख सकते हो. एंड देन बिकॉज इन दिस बेडरूम यू कैन सी योर कॉलम, तो कॉलम के साइड में जो ये निश था, सो वी थॉट यहाँ पे अगर हम कुछ करेंगे, सो दिस कैन बी यूज एज अ साइड टेबल फॉर दिस बेड. सो दोनों बेड्स को इंडिपेंडेंट जगह भी है, साइड टेबल भी है रखने के लिए, प्लस वी डिसाइडेड विल क्रिएट एक्स्ट्रा स्टोरेज ऑन ईदर साइड, दोनों साइड में. तो इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 फुट का स्टोरेज है, बट अगर आपको कपड़े फोल्ड वगैरह करके रखने हैं तो 1 फुट का स्टोरेज इज मोर देन इनफ. सो आई थिंक ये जो दोनों बेड्स प्लस ये, दिस वर्क्स रियली वेल. प्लस आपको बीच में जगह है, अगर आपके पास कोई फ्रेंड्स है, कोई आए, आपको एक्स्ट्रा चेयर भी रख के बैठना है, गप्पे मारने, स्टिल आई थिंक इट सर्व्स रियली वेल. और ये जो निश है यहाँ पर ऊपर, हमने एक बुक स्टोरेज जैसा स्टोरेज भी डिज़ाइन किया है, प्लस देर आर ओपन निशेज, विल सी ऑल दैट, लेट्स गो.
दिस इज द पेरेंट्स बेडरूम एंड यस वी डिस्कस्ड अबाउट हाउ वी शिफ्टेड द डोर और अभी डोर बीच में आने के बाद यू कैन सी दोनों साइड में हमने सिंगल बेड दिया हुआ है एंड ये जो है नाउ वी स्पोक अबाउट दिस कि यहाँ पर यू कैन सी दिस पोर्शन इज द कॉलम जो थोड़ा सा बाहर आया है दिस इज द कॉलम एंड बिकॉज ऑफ द कॉलम और जो वॉल है पीछे है वी गॉट दिस निश जो हमने सोचा था कि ये जो बेड है इसको थोड़ी सी यहाँ पे जगह है बिकॉज द डोर इज हियर यू हैव लिटिल बिट ऑफ स्पेस ऑन दिस साइड जहाँ पर फिक्स्ड हमने साइड टेबल जानबूझ के नहीं दिया है वी फेल्ट एक तो जो बाहर तीन नेस्टिंग टेबल का सेट है उसमें का जो छोटा वाला है दैट यू कैन कीप और बेसिकली यू नीड अ सर्फेस वेयर यू कैन कीप योर वाटर बॉटल और ग्लासेस और जो भी है फ़ोन आपको चार्जिंग के लिए अगर यहाँ पे लगाना है तो वन ऑफ दैट टेबल कैन बी यूज इसके लिए हमने इंटेंशनली यहाँ पे फिक्स कुछ दिया नहीं है बट फॉर दिस बेड बिकॉज यू हैव दिस निश तो इफ यू सी वहाँ पर थोड़ा सा एक जो बेड है वो हमने वहाँ पे कंटिन्यू किया है सो दे हैव केप्ट अ नाइस जो न्यूज़पेपर्स वगैरह रखने के लिए एक रैक रखा है तो वैसे आपको जो रखना है रख सकते हैं जैसे यहाँ पे एक स्विच बोर्ड है वैसे ही यहाँ पे स्विच बोर्ड है और फैन टू वे है तो आपको जहाँ से भी ऑपरेट करना है आप इजीली ऑपरेट कर सकते हैं एंड अलॉन्ग विद दैट ये जो निश था क्योंकि ऊपर तक वो निश है वो हमें वैसे ही नहीं छोड़ना था वी फेल्ट वहाँ पे एक छोटा सा स्टोरेज हो सकता है क्योंकि हमने दो सिंगल बेड्स दिए वो जो पूरा एक इंटीग्रेटेड लुक आता है जो एक सिमेट्रिकल जनरली लुक हम अचीव करने की कोशिश करते हैं बेडरूम्स में वगैरह इवन इफ इट इज़ नॉट सिमेट्रिकल बेड इज़ द फोकस बट वैन यू हैव टू बेड्स उसमें आपका कोई सिंगल फोकस नहीं है तो इसको साथ में लाने के लिए हमने सोचा था कि हम ये साइड में तो हम जैसे हेडबोर्ड देते हैं वैसे हेडबोर्ड दिया यहाँ पे वी हैव एक्सटेंडेड द हेडबोर्ड टिल दिस पॉइंट तो ये कंप्लीट डिवीजन हो गया बट वी डिसाइडेड इसी को हम इस वॉल पे भी कंटिन्यू करेंगे तो एक जो बेड है उसको थोड़ा सा एक इनक्लोजर काइंड ऑफ ऑब्वियसली ये साइड में ऑलरेडी देयर इज अ वॉल बट विजुअली इफ यू सी इट लुक्स लाइक इट इज एन इनक्लोजर फॉर द बेड तो ये सेम जो मटेरियल है एक तो हम हेडबोर्ड में उसको कंटिन्यू कर सकते थे तो यहाँ पे भी कुशनिंग होता था बट जो कॉस्टिंग है उसको ध्यान में रखते हुए तो हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे MDF लगाएंगे और उस पे ग्रूव्स वाला डिज़ाइन है जो एक सिमिलर पैटर्न यहाँ पे है वही डिज़ाइन करेंगे एंड ये जो हेडबोर्ड का फैब्रिक हमने चूज़ किया था उसको ही मैच करके वील यूज़ द सेम कलर नाउ इस रूम में जब हमने डिज़ाइन करना स्टार्ट किया था उसके बाद 3D वगैरह हम देख रहे थे एक तो हमने सोचा था कि लाइट ग्रे और डार्क ग्रे यूज़ करेंगे ग्रे के साथ वी वॉन्टेड टू एड वन मोर कलर जो एक ब्लू हो सकता है बट ब्लू बिकॉज वी हैव यूज्ड इन अदर स्पेसेस इन दिस हाउस तो हमने सोचा था ग्रे के साथ और कौन सा कलर यूज कर सकते हैं एक तो आप येलो कर सकते हो मस्टर्ड येलो बहुत अच्छा दिखता है बट क्योंकि ये जो एरिया इतने पोर्शन में भी फेल्ट मस्टर्ड येलो थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो जाएगा तो इसके लिए वी फाइनलाइज दिस कलर थोड़ा सा पीचिश ब्राउन है आई डोंट नो वॉट इज वॉट टू कॉल दिस एग्जैक्टली बट इट इज ब्राउनिश बट थोड़ा सा उसमें वो पीच का एक फ्रेशनेस भी है तो वो है दोनों साइड में यहाँ पर भी इफ़ यू सी वी हैव मेंटेन द निश बट निश के बाद कॉलम के ऊपर भी वो ही सेम हमने यूज़ किया है जो मटेरियल है सो ये जो हाइट है यही हाइट हमने कंटिन्यू कर दी और उसके ऊपर इफ़ यू सी दोनों साइड में लाइट है ये जो डोर है स्लाइडिंग वाला ये हमने देखा इसके पीछे जाता है बट अगर वो अंदर के साइड में आप रखोगे ऑब्वियसली एक्सपोज दिखेगा सो वॉल और यहाँ पर इस ये जो है ये पैनलिंग है ये पैनलिंग का आवाज़ है तो पैनलिंग और वॉल के बीच में ये स्लाइडिंग का डोर जाता है नाउ ऑन दिस साइड जहाँ पे मैंने बोला था इनिशियल डोर का ओपनिंग था बिकॉज इस डोर को हाइड करने के लिए थोड़ा सा हमें वॉल के सरफेस से हम थोड़ा सा अंदर आए हैं टू हाइड दिस डोर यहाँ पे जो एक निश है तो इस सेम लेवल को मैच करने के लिए ये जो था इसको हमें थोड़ा सा पीछे लेना पड़ा सो जो निश था जो मैंने इनिशियली कहा था कि डोर की जितनी विड्थ थी उसमें ही हमने वो स्टोरेज दिया है निश वाला बट बिकॉज हमें इसको मैच करना था ये डेप्थ हमें और थोड़ी ज़्यादा मिली सो दिखने में तो दिखता है दोनों एक ही लेवल में है दोनों साइड में इफ़ यू सी दिस इज ऑल्सो पैनलिंग दिस इज ऑल्सो पैनलिंग बट इसके पीछे स्टोरेज है और इसके पीछे डोर है और उसके पीछे वॉल है एग्जिस्टिंग वॉल येस नाउ ये जो बेड्स है बेड्स में ये फाइनल था कि जो स्टोरेज है वो हाइड्रोलिक नहीं देना था बिकॉज उनके लिए वो काफ़ी ईजिली एक्सेसिबल होना चाहिए और उनके पहले के घर में जो बेड्स थे वहाँ पर इस तरीके का स्टोरेज था विच दे वर वेरी यूज टू एंड दे डिडंट वॉन्ट अ हाइड्रोलिक वाला स्टोरेज सो इफ़ यू सी बेड के जो भी डिमेंशन है थोड़े बहुत जो हम स्टैंडर्ड देते हैं उससे थोड़े से अलग है द हाइट विच दे वर यूज टू सो वही हाइट वही विड्थ वही सब हमने देने की कोशिश की है जिसकी उनको आदत थी जो उनके लिए कम्फर्टेबल हो सो ये जो है नॉर्मल इसको भी हमने कुछ हैंडल दिया नहीं है यहाँ पर एक ग्रूव है और इस तरीके से उसमें से आप उसको ओपन कर सकते हैं बहुत सिंपल स्टोरेज है यूज करना कुछ ज्यादा उसमें फैंसी फिटिंग्स है नहीं नाउ लेट्स सी द वार्डरोब वाला पोर्शन सो ये जो साइड है यहाँ पे वार्डरोब्स है ये जो पोर्शन है यहाँ पे इनिशियली जो निश था और जहाँ पे हमने वार्डरोब दिया है वो है और ये जो है यहाँ पे विंडो है जहाँ से बहुत अच्छा सनलाइट आता है बट अभी थोड़ा सा हार्श
फॉर द इट्स हार्श फॉर द कैमरा, इसके लिए हमने बंद किया, बट यहाँ से बहुत अच्छा सनलाइट आता है. सो ये विंडो वाली जगह है, एंड अगेन वी यूज द सेम शेड इन द कर्टन जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, पीचिश ब्राउनिश जो शेड है सेम शेड है. एंड यहाँ पे वार्डरोब्स है, तो यहाँ पे दोनों साइड में एज वी डिस्कस अर्लियर कि दोनों साइड में हमने एक्स्ट्रा स्टोरेज दिया है जिसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं. यू सी द डेप्थ फ्रॉम दिस साइड, एक फुट की डेप्थ है, बट आपको कपड़े फोल्ड करके रखने के लिए दिस इज मोर देन इनफ. अभी इफ यू कैन सी हमने यहाँ पे निशेस दिए हैं, बट अगर हमने इसको ब्लैंक रखा होता तो एक डेड स्पेस दोनों साइड से जो वार्डरोब का दिख रहा था, इट वॉज इन लुकिंग दैट अपीलिंग. इसके लिए हमने सोचा कि दोनों साइड में हम थोड़े से ओपन निशेस दिखेंगे रखेंगे, तो आपको स्टोरेज की स्पेस भी मिल जाएगी, बट जब आप उसको इस साइड से दिखते हो यू सी दिस एलिमेंट, प्लस यू हैव ओपन निशेस जिसमें आपको बुक्स वगैरह कुछ रखने आप रख भी सकते हो, तो वो एकदम कम्प्लीटली बंद नहीं लगेगा, वो थोड़ा सा सेमी ओपन वाला फीलिंग जो अच्छा लगता है. सो यहाँ पर इफ यू सी वार्डरोब में अगेन लाइट ग्रे और डार्क ग्रे लैमिनेट हमने यूज़ किया है जो हमने बेड्स में यूज़ किया है, बट उसी के साथ उसके बीच में यू सी दिस ग्रो. नाउ ये जो एक लेवल है वी मेंटेन दिस थ्रू आउट, बिकॉज एक तो वो जैसे मैंने बोला वी वॉन्टेड इट टू लुक लिटिल कोजी एंड वॉर्म, और इसके लिए ये जो हमने एक एक्स्ट्रा फीचर इसमें ऐड किया है. सो ये जो हेडबोर्ड की हाइट है वी हैव यूज द सेम हाइट, इफ यू सी द ग्रूव कंटिन्यूज इन द सेम हाइट, यहाँ पर भी सेम हाइट में ये ग्रूव कंटिन्यू होती है, यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है. तो इवन दो वी हैव यूज्ड ओनली वन लैमिनेट थ्रू आउट, बट दिस ग्रूव लुक्स रियली नाइस. वो कंप्लीट उसकी जो एक उसका जो हैवीनेस है, जो मोनोटोनी है, वो उसको ब्रेक हो जाती है. एंड अगेन हैंडल्स भी हमने इस तरीके से प्लेस किए कि ग्रूव के दोनों साइड में आएंगे, तो इट लुक्स नाइस. नाउ लेट्स ओपन दिस. इस साइड में हमने इसको मिरर दिया हुआ है इसके ऊपर से. सो बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है, इतनी ही है, बट एज आई सेड आपको कपड़े फोल्ड करके रखने के लिए दिस इज़ मोर देन इनफ, दिस इज़ लॉट ऑफ स्टोरेज एक्चुअली. तो अगर आपके केस में भी जगह बहुत कम है और दो फुट का वार्डरोब हम जनरली देते हैं पर उतनी जगह नहीं है, तो भी आप वन फुट का भी दोगे तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो. ये भी स्टोरेज है, तो छोटी छोटी मिसलेनियस आइटम्स वगैरह आपको रखने आप रख सकते हो. जैसे मैंने कहा इनिशियली बिकॉज वी वांटेड टू गिव निशेस ऑन दिस साइड, तो यहाँ तक तो आपने निशेस दे दिए, उसके नीचे के जगह का आप क्या करोगे, बिकॉज एक तो इस लेवल पे हम स्टॉप करना चाहते थे और उसके नीचे हम यहाँ से उसको एक्सेस करना उतना कम्फर्टेबल नहीं होता. तो इफ़ यू सी वहाँ पर भी वी हैव डन द सेम डिटेल कि आप उसको जैसे वहाँ पर स्टोरेज दिया था वैसे ही स्टोरेज यहाँ पर भी दिया है. जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं डायरीज एंड ऑल, या आपको जो भी मिसलेनियस आइटम्स रखने हैं, आपको मेडिसिंस रखने हैं, वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो. सो दिस इज द मास्टर बेडरूम. मास्टर बेडरूम में सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट वन, और पार्ट टू में हम क्या देखेंगे. सो मास्टर बेडरूम जहाँ पर मैं अभी बैठी हूँ वो हम देखेंगे, और किचन वाला जो हिस्सा है वो हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे. वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है, इसके लिए हमने डिसाइड किया कि इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे. द अदर थिंग इज आफ्टर शूटिंग द एंटायर वीडियो वी रियलाइज देयर वाज अ टेक्निकल एरर, और कैमरा में कुछ ग्लिच था जिसके वजह से मास्टर बेडरूम और किचन वाला जो हिस्सा था उसका कुछ पार्ट था जिसका ऑडियो ठीक से रिकॉर्ड नहीं हुआ था. सो इसके लिए वी डिसाइडेड वील हैव टू रीशूट, हेंस द पार्ट टू. ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसमें आई थिंक सबसे द हीरो पार्ट ऑफ द चैम्पियन पार्ट ऑफ द वीडियो वॉज द प्लानिंग, और प्लानिंग इसमें सबसे ज़्यादा नेसेसरी है. फॉर एनी कॉम्पैक्ट हाउस आई थिंक प्लानिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. जितना आप प्लानिंग में ब्रेनस्टॉर्म करोगे, एक्सप्लोर करोगे, उतना ही उसका एग्जीक्यूशन है अच्छा होता है. सो लेट मी नो प्लानिंग में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको अच्छी लगी हो, या आपके घर के लिए इफ़ यू फील दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन इनकॉर्पोरेट इन योर हाउस, डू लेट मी नो. एंड इसका पार्ट टू भी ज़रूर देखिएगा. मिलेंगे जल्द ही पार्ट टू के साथ, तब तक के लिए बाय.